हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं गिग फॉर्म बेस का मैक्सिमम सम ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरेज। इसमें क्या है कि हमें एक 2D एरे दिया हुआ है और इस 2D एरे में से हमें हर एक एरे में से एक एक नंबर चूज करना है और उन सारे जो भी नंबर हमने चूज किया उसको मैं जोड़ दूं तो मैक्सिमम सम दे दे हमें, ठीक है। और एक कंडीशन इसमें ये दे रखी कि जो भी हम नंबर पहले में से चूज कर रहे हैं फिर उसके बाद हम दूसरे में से चूज करें तो जो दूसरा वाला नंबर होगा वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मतलब कि अगर हम बोले इसमें से A1 चूज किया और इसमें से दूसरे में से A2 चूज किया, इस तीनों में से हमने कोई एक नंबर चूज किया उसका नाम A3 दिया, तो ये क्या होना चाहिए, A1 शुड बी लेस देन A2 शुड बी लेस देन A3, ठीक। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए और हमें मैक्सिमम सम इस तरीके से लेना है। तो एक जो हमें सबसे पहले अप्रोच किया आता है, सबसे पहले मान लीजिए आपको पता है कि इसमें से सबसे हमें क्या है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक। एक हमने बड़ा एलिमेंट इसमें से मान लीजिए 9 ही हमने उठा लिया 9, और एक प्रीवियस नाम के वेरिएबल में आप 9 को स्टोर करा लीजिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके जस्ट पिछले वाले एरे में मुझसे कौन सा नंबर चूज करना है, इससे जस्ट छोटा प्रीवियस से, ठीक। तो आपने यहां से पहले 9 चूज कर लिया, फिर उसके बाद आप जब इसमें चूज कर लिए 9 तो आप उसको ब्रेक करा दीजिए, फिर अगले में आ जाइए। इसमें आपको क्या चूज करना है, जस्ट 9 से छोटा, 9 से छोटा क्या है 5 है, तो आपने 5 चूज कर लिया और प्रीवियस को अपडेट कर दिया। सिमिलरली आप इसमें आएंगे जस्ट 5 से छोटा आपको चूज करना है, 4 मिल जाएगा आपको, तो यही आपको मैक्सिमम जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे कीजिए, आप सबको सॉर्ट कर दीजिए, इसको भी सॉर्ट, इसको भी सॉर्ट, इसको भी सॉर्ट, और सबसे पहले जो लास्ट वाला है उसमें सबसे बड़ा उठा लीजिए और फिर क्या है इसमें इटरेट करते हुए आप ढूंढ लीजिए उससे जस्ट छोटा कौन सा है वो मिल जाए, फिर प्रीवियस को अपडेट कीजिए, फिर उससे छोटा आप ढूंढ के करके आप रिटर्न कर दीजिए सम। अब आप ध्यान दीजिए इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास कितना था, हमने सबको सॉर्ट किया था, इसमें मान लीजिए एम एलिमेंट है तो हमने मर्ज सॉर्ट लगाया था, ठीक है, तो एम लॉग एम हो गया, ठीक। और ऐसे हमारे पास टोटल एन एरे हैं, एन एरे, तो इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एम एन लॉग एम, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें क्या है एन इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करनी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जीरो करनी है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो ये काम सॉर्टिंग करके कर रहे थे वो काम हम बिना सॉर्ट के भी तो कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे थे, इस एरे में से एक हम जस्ट छोटा एलिमेंट उठा रहे थे, ठीक। तो आप ये एक बार के ट्रेसन में आप इटरेट करके भी तो उठा सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है मैक्स सम नाम का, ठीक, जो कि इंट एन बता देगा कितने हमारे पास रो हैं, कितने कॉलम्स हैं और ये हमारे पास एरे दिया हुआ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए सम, जो कि हमारा मैक्सिमम सम स्टोर करेगा जिसको मैं लास्ट में रिटर्न करूंगा, और एक हमने प्रीवियस नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैं ट्रैक करूंगा कि मुझे किससे छोटा लेना है, ठीक है। अभी मान लीजिए हमें इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू हमने इसमें ले रखी है, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि हमने क्या है i=n-1 से पीछे वाले को, मतलब इस वाले रो को हम पकड़ रहे हैं, ठीक, और यहां से हम इटरेट करना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है आप ये जो प्रीवियस है आप यहां पे मैक्स वैल्यू रखिए, ठीक, क्योंकि हमको इससे जस्ट एक छोटा वैल्यू लेना है, ठीक है। तो आप प्रीवियस में आप मैक्स वैल्यू को रखेंगे, तो हमने यहां पे क्या है कि हमने एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया जो कि हमें क्या देगा, जो हम एरे को इटरेट करेंगे उससे जस्ट छोटा वैल्यू ये हमें मैक्स दे देगा। तो हमने क्या किया, पीछे से इटरेट करना शुरू किया और हमने देखा कि ये जो वैल्यू है जस्ट अगर छोटी है प्रीवियस है तो आप मैक्स को अपडेट कर दीजिए, ठीक। अब इससे क्या हो जाएगा, मैक्स में क्या हो जाएगा, जस्ट छोटी वैल्यू होगी प्रीवियस से, ठीक। अब हमें तो वैल्यू मिल गई आराम से, जो हम वहां पे लॉग इन में कर रहे थे हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपको वैल्यू मिली होगी तो मैक्स की वैल्यू अपडेट हो गई होगी, क्योंकि मैक्स हमने रखा है इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। अगर कोई वैल्यू इस एरे में मिलती है तो हमें क्या हो जाएगा, मैक्स अपडेट हो जाएगा, अगर नहीं मिली होगी तो मैक्स वैसे ही वैसे रहेगा। तो हमने ये देख लिया कि जब हमें इस वाले एरे से कोई वैल्यू नहीं मिली तो आपको रिटर्न कर देना जीरो, मतलब कि हमको हर एक एरे से एक वैल्यू पिक करनी ही करनी है। अगर मिल जाता है तो आप सम को ऐड कर दीजिए, प्रीवियस को अपडेट कर दीजिए और लास्ट में क्या है आप सम को रिटर्न कर दीजिए। तो इसकी जो टाइप कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन इंटू एम, क्योंकि ये वाली लूप कितनी चल रही है, अंदर वाली एम टाइम्स बाहर वाली एन टाइम्स, ठीक है, एन एम हो गई। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ ऑफ 1, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सर आपको डाउट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।